नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि छपरा जंक्शन बिहार से चेन्नई सेंट्रल के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु के बीच में चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 02670। गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है 39 आवर्स 10 मिनट्स में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं। छपरा जंक्शन से हर सोमवार और बुधवार को ये चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना होती है। 2340 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ICF कोचेस हैं, कोविड रिजर्व ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। तो आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का टिकट किराया बताऊंगा वो छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच हैं। फर्स्ट एसी के किराए से शुरुआत करते हैं, जो कि छपरा से चेन्नई तक का मैं आपको किराया बताऊंगा, जो कि है 5460 रुपये, जिसमें 5064 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 260 रुपये जो है वो GST चार्ज भी इसमें शामिल है। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये फर्स्ट एसी का छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक का बता रहा हूँ। बाकी इसमें सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का जो छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक का जो टोटल किराया है वो है 3200 रुपये, जिसमें 2951 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 153 रुपये है। तो ये सेकंड एसी की किराए की बात है जो कि चेन्नई सेंट्रल तक का छपरा जंक्शन से है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के तकरीबन दो कोचेस हैं जिसका टोटल किराया है 2205 रुपये, जिसमें 2013 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 105 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2205 रुपये। ये छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक का किराया बता रहा हूँ। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 13 कोचेस हैं जिसका टोटल किराया जो है 850 रुपये है, जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, जिसमें बेस फेयर है 797 रुपये, 20 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। यह मैंने आपको स्लीपर क्लास का किराया बताया जो कि छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक का है। बाकी जनरल एंड रिजर्व डिब्बो के तकरीबन दो कोचेस हैं इसमें, जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के साथ छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक का जो टोटल किराया है वो है 525 रुपये, जिसमें 492 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 525 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली जो है पेंट्री कार से डायरेक्टली जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो ट्रेन है गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन छपरा जंक्शन बिहार से हर सोमवार और बुधवार को रात को 9 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन से 2340 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है उत्तर प्रदेश का बलिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:05 पर पहुँचती है और 10:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गाजीपुर सिटी में ट्रेन जो है रात के 11:15 पर पहुँचती है और 11:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 130 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो वाराणसी रेलवे स्टेशन या वाराणसी जंक्शन में रात के 1:10 पर पहुंचती है और 1:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद भदोही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 1:56 पर पहुंचती है और 1:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब जो है छपरा जंक्शन से भदोही तक कवर कर चुकी होती है यात्रा। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:05 पर पहुंचती है और 4:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, यहां पर इसका इंजन रिवर्स होता है और यहां पर ये ट्रेन जो है काफ़ी ट्रेनों को क्रॉस करती है,
प्रयागराज जंक्शन का स्टेशन कोड है PRYJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में एंटर करती है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस का जो मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है वो है सतना जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7:05 पर पहुँचती है और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 517 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सतना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 8:30 पर पहुंचती है और 8:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 615 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है KTE और इसके बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जंक्शन में सुबह 10:10 पर पहुंचती है और 10:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर यह ट्रेन जो है हबीबगंज अदारतल इंटरसिटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो कि छपरा से चेन्नई सेंट्रल तक चलती है वो मध्य प्रदेश के पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 12:13 पर और 12:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 883 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पिपरिया रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PPI और इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 1:25 पर और 1:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 951 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इटारसी जंक्शन का स्टेशन कोड है ET। इटारसी जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन बैतूल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। बैतूल रेलवे स्टेशन पर इसका पहुंचने का समय है दोपहर के 3:08 पर और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन नागपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 6:15 पर पहुंचती है और 6:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है सेवाग्राम जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:08 पर और 7:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद यह ट्रेन जो है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में रात के 9:05 पर पहुंचती है और 9:07 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। चंद्रपुर का स्टेशन कोड है CD। महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन बलहरशाह जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 10:10 पर पहुंचती है और 10:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1458 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। तेलंगाना के पहले स्टेशन श्रीपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन पर रात के 10:58 पर पहुंचती है और 11:00 वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर यह ट्रेन जो है कुछ ट्रेनों के साथ क्रॉस करती है और इसका स्टेशन कोड है SKZR। 1526 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहां तक तेलंगाना के अगले स्टेशन वारंगल रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 1:23 पर पहुंचती है और 1:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1701 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वारंगल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है WL और इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो खम्मम रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है 3:04 पर और 3:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1808 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश के पहले स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 5:15 पर पहुंचती है और 5:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1908 किलोमीटर के करीब जो है छपरा से विजयवाड़ा तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और यहां पर अलाफूजा धनबाद स्पेशल ट्रेन और कुछ अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ऑनगोल स्टेशन में ये सुबह 7:13 पर पहुंचती है और 7:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2043 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है OGL ऑनगोल का। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन गडूर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:43 पर और 9:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2200 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और गडूर जंक्शन का स्टेशन कोड है GDR। ये आंध्र प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद
गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु के इकलौते स्टेशन जो कि आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का गंगा कावेरी एक्सप्रेस का, वो है MGR चेन्नई सेंटर में दोपहर के 12:10 पे पहुंचती है और अपनी 2335 किलोमीटर के करीब जो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ गंगा कावेरी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।